आप देख रहे हैं इनकवर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा। इस बार कहानी एक ऐसे योद्धा की जिनकी माँ बाप की प्रेम कहानी से आप बखूबी परिचित होंगे, बाजीराव मस्तानी। आप बाजीराव मस्तानी को संजय लीला भंसाली की फिल्म में उनकी प्रेम कहानी को जो नहीं भी जानते थे वो जान चुके हैं। लेकिन वो फिल्म में आपने उनका एक बेटा देखा था, कृष्णा राव, और उस बेटे का बाद में क्या हुआ, हम इस शो में यही कहानी बताने जा रहे हैं। कृष्णा राव आपने फिल्म में अगर देखी होगी किस तरह से, क्योंकि एक मुस्लिम माँ से पैदा हुआ था वो बेटा, और भट्ट ब्राह्मण थे बाजीराव, और बाजीराव का जो उपनयन संस्कार अपने बेटे का करना चाहते थे कृष्णा राव के नाम से, तो वहाँ के लोकल पंडितों ने मना कर दिया और उसको लेकर उस विवाद हुआ, तो फिल्म में दिखाया भी गया। फिर उस बेटे का क्या हुआ ये कहानी बता रहे हैं। तो वो कृष्णा राव जो था वो शमशेर बहादुर के नाम से इतिहास उसे जानता है। बाद में जब हिंदुओं ने पंडितों ने मना कर दिया तो उसे शमशेर बहादुर के नाम से पाला गया। 6 साल की उम्र का था तो मस्तानी की भी मौत हो गई बाजीराव के बाद, तो ऐसे में जो काशीबाई बाजीराव की दूसरी पत्नी थी उन्होंने उसे पाला, अपने बेटे की तरह रखा था, बाजीराव की वो आखिरी निशानी था, और उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मराठा राजकुमार की ट्रेनिंग दी जाती है उसको पाला पोसा जाता है, उसी तरह से युद्ध की ट्रेनिंग भी हुई। जब वो बड़ा हुआ और शादी कर दी गई तो उसके बाद उसे 5,000 घोड़ों का एक तरह से सेनापति एक टुकड़ी उन्हें दे दी गई। तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, तो रोहेल और अवध के जो नवाब थे उन लोगों ने देसी राजाओं की मदद करने के बजाय अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला लिया और मराठों के साथ उल्टा हुआ। एक तरफ मराठों से कई हिंदू राजा नाराज थे, जिनमें राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा सूरजमल जो बहुत करीब थे उस वक्त पानीपत के, वो मदद कर सकते थे, लेकिन किसी बात को लेके सदाशिव राव से उनका भी झगड़ा हो गया और ऐसे में उन्होंने उस तरह से मदद नहीं की। और दूसरी तरफ वो सारे घोड़े पे थे और ये बड़े लाओ लश्कर के साथ पहुँचे, बहुत बुरा हुआ। मराठे जो हजारों की संख्या में मार काटे गए। मराठों की जो इतिहास पर बहुत बड़ा कलंक है पानीपत का तीसरा युद्ध, उस तीसरे युद्ध में लड़ा सदाशिव राव के नेतृत्व में शमशेर बहादुर कृष्णा राव, वो था बाजीराव मस्तानी का बेटा। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, उसने बाजीराव को फॉलो किया जहां वो बड़े बड़े हाथी और लाओ लश्कर लेकर आ रहे थे, वो 5,000 घोड़ों के साथ लगातार रोहिलों को, अवध के नवाब को, अहमद शाह अब्दाली की सेना को छकाता रहा। वो लगातार उसी गोरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहा था जैसे बाजीराव उसके पिता करते थे। लेकिन हुआ ये, क्योंकि सेनापति इधर मारे गए, इधर मराठे मारे गए, युद्ध हार गए, तो कैसे भी बचते बचाते घायल मराठे जो थे वो फिर भरतपुर की तरफ बढ़े। उनके साथ शमशेर बहादुर भी था और भरतपुर के राजा सूरजमल ने उन्हें मदद की, घायल सैनिकों को आश्रय दिया, उनका इलाज करवाया, तो शमशेर बहादुर भी उनमें शामिल था। शमशेर बहादुर जब भरतपुर पहुँचा तो राजा सूरजमल ने, भरतपुर के राजा ने उनकी रानी ने बेटे की तरह पाला, तमाम सेवाएँ की, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल था और जितने दिन भी वो जीवित रहा तब तक सेवा करते रहे दोनों राजा रानी। लेकिन बाद में जब उनकी मौत हो गई तो राजा सूरजमल ने एक मकबरा बनवाया भरतपुर में बाजीराव मस्तानी शमशेर के बेटे शमशेर बहादुर का, और वो मकबरा आप देख सकते हैं, उसमें बाजीराव मस्तानी के चित्र भी लगे हैं। जब भी भरतपुर जाएँ तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये थी कहानी शमशेर बहादुर की, बाजीराव मस्तानी के बेटे की। आपको बता दें कि काशीबाई ने उन्हें गकालपी और बांदा की जागीर भी दी थी। तो जो बांदा के जो नवाब हैं वो बाजीराव मस्तानी के खानदान से आते हैं। आप जब जाएंगे बांदा तब भी वहाँ ये कहानी की किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। देखते रहिए इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।